हमारे मुल्क में आपको तीन तरह के स्टूडेंट मिलेंगे। टाइप वन ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डेली कॉलेज जाकर मेहनत से साल भर पढ़ते हैं और अपने अंदर क्लास टॉपर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साल भर कॉलेज जाएं या ना जाएं, लेकिन अपनी पढ़ाई की प्रति हमेशा अवेयर रहते हैं। तीसरी तरह के ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जब एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाता है तब पढ़ना शुरू करते हैं और एंड में सोचने लगते हैं कि क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें, और एंड में वो घबरा जाते हैं। टेंशन और घबराइए बिल्कुल भी नहीं। टेंशन और घबराने से सिवाय मायूसी, दुख और अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी आपके पास तकरीबन 10 दिनों का वक्त है। मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, आप इसको अपनाइए, यकीनन आपको कामयाबी हासिल होगी। टिप नंबर वन, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इतने कम समय में भी मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकता हूँ। ये विश्वास आपको अपने मन में जगाना होगा और इसी विश्वास के साथ आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। टिप नंबर जो टू है, सबसे पहले जो टॉपिक्स आपको इजी लगते हों उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि एग्जाम में उन टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आए आप उनको बआसानी हल कर सकें। इजी टॉपिक्स को कवर करने से आपके मन में एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मेरा इतना परसेंट कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब मैं बचा हुआ बाकी का कोर्स भी कंप्लीट कर सकता हूँ। इसलिए पहले इजी टॉपिक्स को ही कवर करें। टिप नंबर थ्री, यू हैव टू स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा, फिर आप उससे अच्छी तैयारी कर सकेंगे। टिप नंबर फोर, जितनी भी देर आप पढ़ाई करें मन लगाकर पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। पढ़ते समय म्यूजिक, यार दोस्त, इन सब को अवॉइड करें। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। यारों के साथ बाहर टहलना, मोबाइल पे चैटिंग करना या फिर गेम खेलना, इन सब को ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप अवॉइड करें। अगला जो पॉइंट है, स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइम पर पढ़ें, कौन सा टाइम बेस्ट है पढ़ने के लिए, रात में या दिन में। अगर आप रात को कंफर्टेबल हैं जग कर पढ़ाई करने में, तो आप रात में पढ़ाई करें, नहीं तो आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करें। जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील करें उस समय आप पढ़ें।